आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका बैट इस तरीके से टूटा हुआ है तो आप इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल ही नए जैसा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको लगेंगे कुछ जरूरी सामान। तो सबसे पहला सामान है एक न्यूज़पेपर और एक फेविकॉल, और आपको चाहिए एक इस टाइप की 1 लीटर की बॉटल, और आपके बैट का हैंडल ठोकने के लिए आपको चाहिए एक हैमर। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है आधा बाउल पानी। देखिए मैंने आधा बाउल पानी लिया है। तो दोस्तों अब आपको करने हैं आपके पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ज्यादा छोटे भी मत करिएगा, थोड़े मीडियम टाइप के रखिएगा। इस टाइप के आपको टुकड़े करने हैं, एक न्यूज़पेपर के आप कर लीजिए, बहुत हो जाएंगे, उतने ही आपको करने हैं। और फिर आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपको मिलाना है इसमें थोड़ा सा फेविकॉल, अब आपको कर देना है इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से। मैं चम्मच का यूज कर रहा हूँ, आप ब्रश वगैरह का यूज कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे से और मिक्स करना है। दोस्तों ये हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी पानी और ग्लू का। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारे पेपर के टुकड़े हैं उसे हमें डाल देना है पानी में, जो आपका पानी और फेविकॉल का मिक्सचर था उसमें आपको आपके पूरे पेपर के पीसेस डाल देने हैं। दोस्तों अब आप इसे अच्छे से कर दीजिए डिप, ताकि ये सब पेपर गीले हो जाए पूरी तरीके से, अच्छे से ये सोख ले, ग्लू को सोख ना ले, बस गीले हो जाए ये पेपर। इसे आपको अच्छे से इसे मिला देना है। अब इसे आप करीबन 1-2 मिनट के लिए रख दीजिए पानी में। तो दोस्तों अब हम लेंगे हमारे बैट का डंडा, जो मेन हैंडल है बैट का, वो हम लेंगे और इसे ही हमें जोड़ना है बैट के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बैट का जो है हैंडल, इसमें हम हमारा मिक्सचर लगा देंगे अच्छे से, जो हमने मिक्सचर बनाया था कागज और फेविकॉल का, इसे हम अच्छे से इस डंडे पे चिपका देंगे। आप एक एक पेपर उठा के अच्छे से इसे चिपका दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं चिपका रहा हूँ उसी तरह से आपको भी इसे चिपकाना है अच्छे से। हर जगह आप अच्छे से पेपर चिपका दीजिए, वो पूरे वी शेप में चिपकाइए, आप हैंडल में मत चिपकाइए। और आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इसकी सरफेस अनइवन ना हो, मतलब कहीं पे थोड़े ज़्यादा पेपर लगे और कहीं पे थोड़े कम पेपर लगे, ऐसा आपके साथ ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें अच्छे से न्यूज़पेपर लपेट दिया है चारों तरफ से, सिर्फ इतने ही पार्ट में, पूरे डंडे में नहीं लगाया है, बस इतना जो उसका मेन जो अंदर पार्ट जो जाता है, जो वी शेप में है, उसी में मैंने न्यूज़पेपर लगाया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना है, मतलब करीबन 5-6 घंटे तक आप इसे सूखने दे। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे तरह सूख गया है पूरी तरह से, देखिए आप। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली इस डंडे को आपके बैट में इंसर्ट कर देना है, मतलब लगा देना है। तो देखिए दोस्तों अब हमें इसे पूरी तरह से अच्छे से अंदर घुसा देना है। दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अच्छे से मैंने इसे अंदर घोस दिया है पूरी तरह से। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं बॉटल का काम बताऊंगा, अब आएगा हमारा असली काम जो कि बॉटल करेगी। तो दोस्तों अब काम में आएगी हमारी बॉटल। तो अब हमें क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों बॉटल को मैंने कुछ इस तरीके से कटआउट कर लिया है, मतलब आप देख सकते हैं एकदम यहां से नहीं काटा है मैंने इसे, थोड़ा ऊपर से कॉर्नर से काटा है इस तरीके से, ताकि इससे बैट के जो हैंडल है वो अच्छे से टाइट ग्रिप हो पाए। तो यही आपको करना है, सेम इसी तरीके से आपको काटना है इस बॉटल को। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो ये कटआउट है इसको आपको सिंपली इस बैट में इस तरीके से आपको फिट कर देना है। आप देख सकते हैं ये मैंने पूरी तरीके से अच्छे से घुसा दिया इसे, तो इस तरीके से ये कुछ फिट हो गया है। तो दोस्तों अब हमें लगानी पड़ेगी थोड़ी सी आग, फिलहाल मैं गैस पे नहीं लगा सकता था क्योंकि मम्मी ने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैं गैस पे आग नहीं लगा पा रहा हूँ, और फिलहाल मैं अपने दोस्त के घर पे आऊँ आग लगाने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं मैं क्या करता क्या करना चाहिए अब हमें, क्या करना है बैट के साथ। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे थोड़ी सी आग, ज्यादा लगा रहे हैं हम, बहुत आग लगा लोग हैं। तो अब हम इसमें गर्म करेंगे हमारे बैट को, कुछ इस तरीके से। दोस्तों आपको भी ऐसे करना है, देखिए आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। दोस्तों देखिए अपनी सेफ्टी बनाए रखिए, खतरों के खिलाड़ी है तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकता। देखिए आप दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि आप इसे ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो ये प्लास्टिक है पिघल भी सकता है। तो यही बात का आपको खास ध्यान रखना है, बस बाकी और कुछ इसमें नहीं है। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं बैट हो गया एकदम ही फिक्स, एकदम अच्छे से
ये अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जिसके जब जब ये बेड डॉग पार्ट में था अब ये बन चुका है एकदम सिंगल। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। और इसमें थोड़ा सा शायद ऊपर कार्बन जम गया था, तो मैंने उसे बस एक गीले कपड़े से उसे मैंने पोंछ दिया। वो ब्लैक ब्लैक हो गया था प्लास्टिक, तो मैंने उसे बस गीले कपड़े से पोंछ दिया। अगर आपका भी कार्बन जम जाता है तो आप भी उसे सिंपली गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, तो ये चमक जाएगा। और अगर आपको प्लास्टिक की बॉटल की डिजाइन नहीं अच्छी लग रही है, तो आप सिंपली क्या करिए दोस्तों, स्टिकर आते हैं मार्केट में जो, वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। आप स्टिकर यहाँ पे लगा दीजिए अगर आपको ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज नीचे उस लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही क्रिकेटिंग टेक्निक्स के वीडियो डालता रहता हूँ, मीन्स बॉल, हाँ, अगर आपको आपकी बॉलिंग स्पीड बढ़ानी है तो उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आपको बैटिंग टिप्स चाहिए तो उसका भी वीडियो है। मैं ऐसे ही क्रिकेटिंग टेक्निक्स के वीडियो डालता रहता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।